कोलैबोरेशन, आई एम आस्किंग पीएचईडी आल्सो। पीएचईडी के लीडर यहां जब आते हैं वो नेल्सन मंडेला बन जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला एमपी है, असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी से एक ही एमपी है। जब वो अपने लोगों के एहसास, उनके जज्बात पार्लियामेंट के अंदर बोल सकते हैं तो फारूक अब्दुल्ला के मुंह में क्यों दही जम जाता है? क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? आज मैं अपनी पार्टी के हिसाब से बोल रहा हूं कि वी आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस मीटिंग, कोई ट्रैक टू कोई ट्रैक थ्री पर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि रशीद साहब इज इन जेल, वी विल नॉट कैपिचुलेट, वी विल नॉट सरेंडर इन फ्रंट ऑफ देम, वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस मीटिंग, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो आज बड़े हमदर्द बन गए कश्मीरियों के, पीएजीडी, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, दो तीन सवाल है मेरे मुख्तसर उनके लिए। पहले कि ये इलेक्शन से पहले ही क्यों एक्टिव हो जाते हैं? डीडीसी के वक्त आप देखेंगे गुपकार वाले हर जगह थे, अभी इनको पता है असेंबली इलेक्शन होने वाले 7-8 महीनों में दोबारा गुपकार वाले आ गए। मेरी एक लिमिटेड पॉइंट है इनका, अगर गुपकार बोल रहा था कि भाई जितनी देर तक बीजेपी का यह मौकफ है, रिवोकेशन ऑफ 370 नहीं हो जाएगा वापस, आर्टिकल 370 उसी तरीके से रीइंस्टेट होगा जैसे बिफोर 5 अगस्त था, उतनी देर तक कोई बात नहीं होगी, तो रातों रात क्या चीज बदल गई है? महबूबा, वाई हैज महबूबा मुफ्ती गॉन सॉफ्ट ऑन बीजेपी? या क्या इसी यही वजूहत है कि इसके वजह से सरताज मंदी को रिलीज किया जाता है, उनको बुलाया जाता है? ये वर्किंग है बीजेपी की। तो मैं हिंदुस्तान के लोगों से भी ये बोलता हूं, ये आपके भी फायदे के लिए, क्या यू शुड पॉन्डर ओवर द फैक्ट कि कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हिंदुस्तान का मौकफ नहीं था? आपने किस तरीके से आर्मी यहां डाली? तो क्या बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडा अचीव करने के लिए आर्मी और जो सारे सिक्योरिटी फोर्सेस है वो यूज किए जाएंगे? दे शुड पॉन्डर अपॉन। आई एम अपीलिंग ऑल द इंडियन अपोजिशन पार्टीज, देयर पार्लियामेंट, पार्लियामेंटेरियंस, इफ यू हैव अ आयोटा ऑफ ऑनेस्टी इन यू, यू शुड आंसर ऑन ऑल दीज क्वेश्चंस। थर्ड पॉइंट जो मैं दिल्ली को एडवाइस देना चाहूंगा, 1,00,000 करोड़ का हमारा नुकसान हुआ और अपनी पार्टी के बिहाफ पे, अपनी पार्टी मींस अवामी इत्तेहाद पार्टी, नहीं बीजेपी की अपनी पार्टी, केयर ऑफ अल्ताफ डाइथीन, ये मैं आपको बोल रहा हूं, अपनी तरफ से वादा दे रहा हूं, जो लॉसेस हुए 1,00,000 करोड़ के, ये हमारा मौकफ है, इस पे मैं आज आपको वर्ड देता हूं, 1,00,000 करोड़ वी हैव सफर डैमेजेस बिकॉज ऑफ दिस बीजेपी मैडनेस ऑफ 370। ये मेरी तरफ से आपको वादा है, हम जितनी हो सके कोशिश करेंगे, बीजेपी विल हैव टू कम व्हाट मे, टुडे टुमारो 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, गिव दिस एज अ फॉर्म ऑफ पेनल्टी टू द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये 1,00,000 करोड़ रुपया। अब रहा सवाल, सवाल आप देख रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, रशीद साहब बंद है, यासीन साहब बंद है, बड़े प्रो कश्मीर, मैं नहीं उनको हुर्रियत के लीडर बोलूंगा, प्रो कश्मीर लीडर जो आपके मेरे हक पसंद जमाते हैं सारे बंद है। आज लोगों पर भी एक जिम्मेदारी आयद होती है, ये पॉलिटिकल वैक्यूम इंडिया इज गोइंग टू यूज इट टू योर बेनिफिट। ये जो आज आप पीएचईडी वाले देख रहे हैं जो सब रैली करके जा रहे हैं ऑल पार्टी मीट में, दे आर बेसिकली लुकिंग फॉर पॉलिटिकल अकोमोडेशन, अगले आने वाली गवर्नमेंट में किसको क्या रोल मिलेगा? अगर आप सही मानू में कश्मीर की नुमाइंदगी चाहते हैं, मैं पूरी आवाम से बोलता हूं, जनो मर्द से बोलता हूं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बोलता हूं, उन जमातों के हाथ मजबूत करो जो हम हमेशा आपकी बात बोलते हैं, जो आपके एहसास आपके जज्बात के लिए खड़े होते हैं, उन लीडरों की कुर्बानी को आप रायगा मत जाने दो। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं आप तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करो, आप पीसफुली परसिवेयर करो अपनी राइट्स के लिए, यू विल हैव टू फाइट फॉर ऑल दिस दैट यू हैव लॉस्ट, कर्टेसी बीजेपी। थैंक यू वेरी मच। हमने शायद एक प्रेस बाइट हमारी भी कवर की थी हैदरपुरा में, अगर हम छुपे होते या डके छुपे होते तो हम डंके की चोट पे यहां आके बात नहीं करते। एक एक स्टेटमेंट आप उठा लीजिए अवामी इत्तेहाद पार्टी का पोस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। मैं आज डंके की चोट पे ये बोलता हूं, अखबार डर जाते थे वो स्टेटमेंट निकालने से, हम नहीं डरते। मैं जिस दिन सियासत में आया मैंने कहा हमारी सियासत स्ट्रगल का नाम है, हमारी सियासत लोगों के हकों के लिए जदोजहद का नाम है, हम जेल से डरने वाले नहीं है। 2.5 साल हो गए ऋषि साहब को बंद, हमने किसी मौकफ पे सरेंडर नहीं किया है। जो मेरा मौकफ 5 अगस्त से पहले था कश्मीर पे, वो आज भी रहेगा, इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा, देर विल नेवर बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। रहा सहा सवाल, आपने कहा कि हमारी प्रेजेंस कम आ रही है, आज मुझे यहां आना पड़ा कोरोना के अमिड्स कोरोना, थैंक्स टू द फैक्ट, डू यू नो वी आर लिविंग इन एरा ऑफ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। आपके अखबारों का क्या हाल होता है, जब कोई आदमी बेबाकी से बात करता है अगले दिन उसको यूएपीए लगा लेते हैं, इंट्रोगेशन के लिए बुला लेते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड वी आर परसिवरिंग ऑन आर पार्ट, आई एम गिविंग यू माई वर्ड। एक एक स्टेटमेंट आप निकाल लीजिए 2019 के बाद, अगर आपको उन बातों में सदाकत नहीं आएगी मैं किसी भी जगह आपके आपके जवाब सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मगर नॉट ऑन कॉस्ट ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज, देर विल नेवर बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन 370-35A और द कोर इशू ऑफ कश्मीर, नेवर एवर। और मैं आपको बोल रहा हूं ऋषि साहब 2.5 साल से है, हमने कोई ट्रैक टू पे बात नहीं की, ये सरताज मदनी आज कैसे बाहर आ गए? आपने देखा नहीं है महबूबा मुफ्ती की करनी और कथनी में कितनी फर्क आ गई है?
फारूक अब्दुल्ला और हमारे बिहेवियर में क्या है, यू विल बी द बेटर जज ऑफ दैट, प्लीज गिव मी द स्पेस। आर पार्टी सिक्योर 1 लाख वोट्स, क्यों है ये बात आप बड़े बड़े अखबारों से पूछे, क्यों नहीं हमारे स्टेटमेंट इशू हो रहे हैं, वाई हैज देर बीन अ मीडिया ब्लैकआउट ऑफ जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी। ऋषि साहब एक फर्द है, उनके पीछे भी पार्टी बहुत बड़ी है, आप जब खुद आए आपने खुद एक मेरी प्रेस वाइट कवर की होगी, जब हमने बेबाकी से बात की, हमने सदाकत से बात की, मेरी सियासत कश्मीरियों के लिए, टू गिव यू अ क्रेडिबल वॉइस विच यू हैव लॉस्ट पोस्ट 370। आप क्या बात बोल रहे हैं, अगर कुछ और सवाल है आप करिए। एंड हमें क्लोज डोर नेगोशिएशंस का पार्ट रहना, हम जो अभी बात कर रहे हैं इट इज अ ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म, इट विल डेफिनेटली रीच बीजेपी, इफ दे वांट टू डू कोर्स करेक्शन वो अभी भी कर सकते हैं। बात मैं नरेंद्र मोदी अमित शाह से नहीं करूंगा, आपकी बात थोड़ी गलत है, मैं रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं आपसे। एनडीए की गवर्नमेंट नहीं है, इट इज 2.5 मैन, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोवाल, अब इसमें हाफ मैन कौन है वो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। थैंक यू सो मच।